क्वेश्चन इज फोर आइडेंटिकल कॉलम्स ऑफ स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास फिफ्टी थाउजेंड किलोग्राम द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर थर्टी सेंटीमीटर एंड फोर्टी सेंटीमीटर डिस्पेक्टिवली मैं क्या गिवन है कि कॉलम है जिसका आउटर और इनर रेडियाई हमें गिवन है कुछ इस तरह तो इसका जो इनर रेडियस है आर वन सेंटीमीटर एंड आर टू ये जो आउटर रेडियस है फोर्टी सेंटीमीटर तो ऐसे चार कॉलम हमें गिवन है तो ये कुछ इस तरह फिगर बनेगी तो ये फोर आइडेंटिकल सिलेंडर ने एक बॉक्स को सपोर्ट दिया जिसका मास हमें गिवन है फिफ्टी थाउजेंड किलोग्राम एंड द लो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म इट मीन ए जो बॉक्स है ऑफ मास एम इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा नहीं है कि इस साइड इसका मास ज्यादा हो और इस पॉइंट पे इसका मास कम हो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच वॉल्यूम सॉरी यहाँ पे ऑफ ईच कॉलम आएगा हमें तो क्या कैलकुलेट करना है जो इन सिलेंड्रिकल कॉलम्स में कंप्रेशनल स्ट्रेन आएगा ड्यू टू दिस मास वो हमें कैलकुलेट करना है एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज टू इंटू टेन एज पावर इलेवन जो यंग मॉडुलस है इस सिलेंडर के ऊपर जो मटेरियल यूज हुआ है स्टील का उसका हमें यंग मॉडुलस गिवन है सो लेट्स स्टार्ट तो हमें कैलकुलेट करना है कंप्रेशनल स्ट्रेन तो इस वर्ड से आप कन्फ्यूज मत होना कि कंप्रेशनल स्ट्रेन क्या होता है कंप्रेशनल स्ट्रेन जस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल बाय एल जो ये मास प्लेस्ड है इन सिलेंडर्स पे उसकी वजह से सिलेंडर में कुछ कंप्रेशन आएगी इसकी लेंथ में डेल्टा एल एंड दिस इज लेंथ एल इनकी रेशियन में कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करें अब यहां देखो हमें क्या गिवन है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील तो यंग मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स एरिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल तो यहां से ये यह जो हमारा स्ट्रेन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा एल बाय एल विल बी एफ डिवाइड बाय ए इंटू वाई जो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो कंबाइंड स्ट्रेन होगी इन फोर सिलेंड्रिकल कॉलम्स की तो एक सिलेंड्रिकल कॉलम का कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे फोर से नाउ वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू तो इन सिलेंड्रिकल कॉलम्स पे कैसा फोर्स लग रहा है इस बॉक्स का कुछ मास है एंड ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स क्या एक्ट होगा बॉक्स पे एफ इज इक्वल टू एम जी और यही फोर्स होगा जो इन सिलेंड्रिकल कॉलम्स को कंप्रेस करेगा देन एफ विल बी एम जी डिवाइड बाय एरिया क्या होगा कॉलम का जो ये पार्ट है सिलेंड्रिकल कॉलम का यहाँ पे सारा मटेरियल है ऑफ स्टील तो दिस विल बी द एरिया तो इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे पाई आर टू स्क्वायर इस कंप्लीट एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिलेंडर का एरिया आ जाएगा एट इज पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू वाई वैल्यूज पुट करेंगे तो मास कितना गिवन है मास इज फिफ्टी थाउजेंड किलोग्राम फिफ्टी इंटू टेन इज पावर थ्री जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ गिवन नहीं है इसलिए हम लेट कर लेंगे टेन डिवाइड बाई तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आर टू हमें गिवन है फोर्टी सेंटीमीटर एंड आर वन इज़ थर्टी सेंटीमीटर तो ये टर्म हम कैलकुलेट कर लेंगे पाई आर टू का स्क्वायर फोर्टी का स्क्वायर विल बी सिक्सटीन हंड्रेड माइनस थर्टी स्क्वायर इज नाइन हंड्रेड तो यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू सेवन हंड्रेड ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो इसको मीटर स्क्वायर करने के लिए टेन एच पावर माइनस टू का होल स्क्वायर दैट इज टेन एच पावर माइनस फोर सेवन हंड्रेड इंटू पाई इंटू टेन एच पावर माइनस फोर एंड इंटू यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस इज टू इंटू टेन एच पावर इलेवन टू फिफ्टी इंटू टेन एच पावर फोर डिवाइड बाई पाई इंटू सेवन इंटू टेन एच पावर इसको मैंने लिख लिया सेवन इंटू टेन एच पावर टू एस टू पावर इलेवन माइनस फोर इज सेवन सेवन प्लस टू नाइन इंटू टू तो ये कैंसल कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई ट्वेंटी बाई सेवन इंटू पाई इज थ्री पॉइंट वन फोर टेन एस टू पावर फोर माइनस नाइन तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेवन से कैंसिल तो, गया तो, -5. तो, 357 314 तो आ गया थ्री पॉइंट फाइव सेवन डिवाइड बाई थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन पावर माइनस फाइव तो इसको डिवाइड करना है थ्री फिफ्टी सेवन को थ्री वन फोर से तो नियरली आ गया वन पॉइंट वन थ्री इंटू टेन पावर माइनस फाइव तो दिस इज द नेट स्ट्रेन ऑन फोर कॉलम्स एक सिलेंड्रिकल कॉलम का कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे फोर से तो नेट स्ट्रेन हमने क्या कैलकुलेट किया ऑन फोर कॉलम्स वन पॉइंट वन थ्री इंटू टेन एज टू पावर माइनस फाइव तो वन कॉलम स्ट्रेन फोर ऑन वन कॉलम तो इसका क्या करेंगे डिवाइड बाय फोर तो यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे तो आगे पावर माइनस फाइव और डिजिट को आगे शिफ्ट करेंगे पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट एट टू इंटू टेन एच टू पावर माइनस सिक्स हो सकता है आपको कहीं पर यह आंसर टू पॉइंट सेवन एट फाइव समथिंग मिले वो इसलिए आएगा बिकॉज हमने यहाँ जी की वैल्यू लेट की थी टेन अगर आप जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट लैड करोगे तो आपकी वैल्यू ऐसे आएगी लेकिन आंसर आपका गलत नहीं होगा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी कैलकुलेशन पार्ट में तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो So please like this video and subscribe my channel. Thank you.